काश इंसान भी नोट की तरह होते कि बंदा रोशनी में करके देख लेता कि अंदर से कैसा है। अशफाक अहमद कहते हैं, जिस पे करम है उससे कभी पंगा ना लेना, वो तो करम पे चल रहा है। तुम चलती मशीन में हाथ दोगे उड़ जाओगे। करम का फार्मूला तो कोई नहीं, उस करम की वजह ढूंढो। जहाँ तक मेरा मुशाहदा है, जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जिस पर आपका करम था, उसे आजिज पाया। पूरी अकल के बावजूद वह सीधा सा बंदा बहुत तेजी नहीं दिखाएगा, उलझाएगा नहीं, रास्ता दे देगा, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, सादा बात करेगा। मैंने हर करम हुए शख्स को मुखलस देखा, अखलास वाला, गलती को मान जाता है, माजरत कर लेता है, सरेंडर कर देता है। जिस पर करम हुआ है ना, मैंने उसे दूसरों के लिए फायदा मंद देखा। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जात से नफा हो रहा हो और अल्लाह आपके लिए शादी को रोक दे, वो और करम करेगा। मैंने हर साहब करम को एहसान करते देखा है, हक से ज्यादा देता है, उसका दर्जन 13 का होता है, 12 का नहीं। अल्लाह के करम के पहिए को चलाने के लिए आप भी दर्जन 13 का करो। अपनी जिंदगी में अपनी कमिटमेंट से थोड़ा ज्यादा एहसान किया करो, नहीं तो क्या होगा, हिसाब पे चलोगे तो हिसाब ही चलेगा। दिल के कंजूस के लिए कायनात भी कंजूस है, दिल के सखी के लिए कायनात खजाना है। जब जिंदगी के मामलात अड़ जाएं, समझ जाओ तुमने दूसरों के मामलात अड़ाए हुए हैं। आसानियां दो, आसानियां मिलेंगी।